लोगों को अच्छा बोलना पसंद आता था, लेकिन सच बोलना लोगों को कड़वा लगता था। लेकिन कड़वी चीज हमेशा अच्छी होती है। आप डॉक्टर के पास जाओ, दवाइयाँ हमेशा कड़वी होती है लेकिन आपका सही इलाज करती है। वो कहता है आसमान में छेद नहीं होता। अरे एक पत्थर तबीयत से चलो तो यारो, हमें वो पत्थर उठाने की जरूरत है, वो छेद करने की जरूरत है। हमेशा कहती हूँ बाबा साहब का मिशन एक हाथी है, हम हाथी की तरह है, हम जब तक शांत है तब तक शांत है। बाबा साहब ने कहा था जिस समाज में तुम्हारा जन्म हुआ है उस समाज का अगर तुम भला नहीं कर सकते तो तुम तुम्हारी कोख माँ के कोख में ही मर जाना अच्छा है। इस दुनिया में जिन्होंने मनुष्य के पहले दुख का कारण ढूंढा और उसकी दुख मुक्ति का कारण भी उन्हीं ढूंढा, ऐसे तथागत सम्यक संबुद्ध स्त्रियों के उद्धार करते हैं, जिन्होंने अपनी खुद की पत्नी को इस व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई के लिए मैदान में उतारा, ऐसे महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनके वजह से इस देश में आरक्षण की शुरुआत हुई। उन्होंने अपने कोल्हापुर संस्थान में अपने जन्मदिन के दिन 50% आरक्षण घोषित किया, ऐसे छत्रपति शाहू जी महाराज, और जिनके वजह से हम जानवर जैसे चलने वाले इंसान इंसान बन गए। मैं कहती हूँ बाबा साहब का जन्मदिन होता है लेकिन हम सबका जन्मदिन होता है क्योंकि हमारा इंसान बन के जन्म आज हुआ। ऐसे विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बाबा साहब के एलिवेशन ऑफ कास्ट ये किताब पढ़कर जिन्होंने पूरे देश में कहा कि जय भीम का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में, ऐसे बहुजन नायक माननीय कांशीराम जी साहब, माता रमाई, माता भीमाई, माता सावित्रीमाई फुले, इनके विचारों को और प्रतिमाओं को त्रिवार अभिवादन। और जिन सम्मानित साथियों ने मुझे यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया, ऐसे एनएचएस के मेरे सभी सम्मानित साथी जो मुझसे पद में कद में और काम में भी बहुत बड़े हैं, ऐसे सभी सम्मानित साथी, मैं किसी एक का नाम लेके दूसरे को ये नहीं कर सकती, सबका नाम मैं नहीं ले सकती क्योंकि वक्त की पाबंदी है। उन सभी सम्मानित साथियों को धन्यवाद देती हूँ कि पहली बार मैं आज दिल्ली में आई हूँ और दिल्ली में आना सबसे बड़ा मकसद था, यही था, खुशी थी कि जहाँ पे बाबा साहब ने अपनी अंतिम सांसें ली वहाँ मुझे आने का मौका मिल रहा है और मेरी बात रखने का मौका मिल रहा है। तो मैं हर बार जब भी प्रथम सर का या फिर किसी भी सर का फुसोरी सर का फोन आता था तो मैं यही कहती थी सर मेरा सबसे बड़ा सम्मान यही होगा कि मुझे वहाँ 2 मिनट बोलने के लिए दीजिए, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। हमारे लिए समाज में काम करने वाले लोगों की भूख वही होती है, उनका सम्मान यही होता है कि हम अपनी बात समाज में जाकर रखें। बाबा साहब ने कहा था मुझे शांति वाले बुद्ध तो चाहिए तुम, और लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे क्रांति वाले विचारों की क्रांति करने वाले बुद्ध गौतम की ज़रूरत है। हमारे पास शांति वाले बुद्ध भी बैठे हैं और क्रांति वाले विचारों की क्रांति करने वाले गौतम भी बैठे हैं। तो सभी साथियों को मेरा सफरिंग जय भी। मैं आपसे बहुत छोटी हूँ लेकिन मैंने एक बात हमेशा याद रखी है, बाबा साहब की एक बात मुझे हमेशा दिल को खलती है। तो मैंने मेरी माँ को बचपन में ही कहा था जब मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया था तो बाबा साहब की एक बात मेरे दिल को लगी थी। बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज में तुम्हारा जन्म हुआ है, गौर से सुनिए, बाबा साहब ने कहा था जिस समाज में तुम्हारा जन्म हुआ है उस समाज का अगर तुम भला नहीं कर सकते तो तुम तुम्हारी माँ के कोख में ही मर जाना अच्छा है। तो मैंने मेरी माँ को कहा था कि माँ तुझे 2 बेटियाँ है, एक बेटी तुझे रख ले और दूसरी बेटी मिशन के लिए छोड़ दे। और उसी दिन से मैं जब से छोटी थी तब से जितना बोलना आता था, जितने बाबा साहब समझते थे, फूले समझते थे, शाहू समझते थे, वो चौथी क्लास से मैं लोगों को मैं जाके बताती थी। पहले तो लोग छोटी थे तालियां बजाते, अरे इतनी छोटी लड़की अच्छा बोलती है, उसके बाद अच्छा बोलते बोलते सच बोलने लगी तो लोगों को कड़वा लगने लगा। लोगों को अच्छा बोलना पसंद आता था लेकिन सच बोलना लोगों को कड़वा लगता था। लेकिन कड़वी चीज हमेशा अच्छी होती है। आप डॉक्टर के पास जाओ, दवाइयाँ हमेशा कड़वी होती है लेकिन आपका सही इलाज करती है। बाबा साहब डॉक्टर थे, बाबा साहब ने हम अछूतों का इलाज किया और हमें इंसान बना दिया, हमें इंसानों की लेस मिला के बता दिया और बाबा साहब दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर बन गए। डॉक्टर तो बहुत पैदा होते हैं, IAS पैदा होते हैं, IPS पैदा होते हैं, इंजीनियर पैदा होते हैं, बहुत सारे पैदा होते हैं, लेकिन इंसान बनाने की फैक्ट्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें इंसान बना दिया। एक अकेले बाबा साहब ने सामाजिक क्रांति की, एक अकेले बाबा साहब ने राजनीतिक क्रांति की, एक अकेले बाबा साहब ने धार्मिक क्रांति की और बाबा साहब ने हम सबसे उम्मीदें रखी कि हम सब मिलकर बाबा साहब का कारवा आगे लेके जाएंगे। हमारे समाज में बाबा साहब का जो मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, हम शिक्षित तो बन गए,
हमारे फायदे की बात थी क्योंकि हमें पढ़कर अच्छी नौकरियां जो मिलने वाली थी आरक्षण के माध्यम से, हम शिक्षित हो गए, हमारे फायदे की बात थी। हम संगठित भी हो गए, छोटे छोटे दलों में, छोटे छोटे गुटों में, छोटे छोटे बस्तियों में, छोटे छोटे चाइयों में, छोटे छोटे सोसाइटियों में, छोटे छोटे पार्टियों में हम संगठित भी हो गए, वो भी हमारे फायदे का था। लेकिन बाबा साहब ने कहा था संघर्ष करो भाई, यहाँ तो हमारा प्रॉब्लम हो गया, संघर्ष जाके करना कहा था। तो मैं हमेशा यही कहती थी, बाबा साहब के हम लोग स्टैचू देखते हैं, बाबा साहब के स्टैचू ऐसे होते हैं ना स्टैचू, क्या संदेश देती है ये उंगली। यस, बाबा साहब ने कहा था तुम्हारे समाज के सवाल वहां जाके छूटेंगे, संसद में जाओ और कहो मुझे इस समाज का प्रधानमंत्री बनना है, मुझे तुम्हें शासक करके जमात बनते हुए देखना है, हमारा संघर्ष हमें वहां जाके करना है और हमारे दबे कुचले शोषित आदिवासी समाज के सवाल हमें वहां मानने रखने। लेकिन हम गुटों में बच गए, हमें आमदार बनना था, हमें खासदार बनना था, हमें मंत्री बनना था, हमें नेता बनना था, हमें अधिकारी बनना था, लेकिन हमें इंसान बनने वाली फैक्ट्री पैदा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, लोगों में जाना था, हमें वो तो नहीं करना था। हम बाबा साहब के कामों के लाभार्थी तो बन गए, बाबा साहब ने हमें आरक्षण दे दिया, संविधान दे दिया, ओट के माध्यम से हमें राजा बनने का अधिकार दिया, हम दूसरों को ही राजा बनाते आए हैं, आज तक हम दूसरों को राजा बनाते आए हैं और एक मंत्री पद, एक मुद्दों के हाथ, एक पैसे की गड्डी के लालच में हमने बाबा साहब के मिशन को साइड में कर दिया। हम बाबा साहब को 6 दिसंबर 14 अप्रैल को सर पर लेकर नाचते हैं, लेकिन साथियों मुझे कहते हुए बुरा लगता है कि हम बाबा साहब को सर में लेने के लिए भूल गए। बाबा साहब को हमें सर में लेकर सोचने की जरूरत है, क्योंकि अभी बाबा साहब वापस दोबारा पैदा नहीं होंगे, क्योंकि इसीलिए बाबा साहब ने कहा था तुम्हारी उन्नति तुम्हें करनी है, मराठी में कहते हैं तुमचा उद्धार तुम्हालाच करायचा आहे। और फिर दूसरे बाबा साहब नहीं पैदा होंगे, दूसरे माननीय साहब नहीं पैदा होंगे जो साइकिल लेके घूमेंगे, पगड़ी वाले बाबा, टाई वाले बाबा, फेटे वाले बाबा बन के घूमेंगे, हमें तैयार होना पड़ेगा। जिनकी विचारधारा की सरकार है उनके हजारों लोग फुल टाइमर बन के घूमते हैं, कभी बाबा बन के घूमते हैं, कभी साध्वी बन के घूमते हैं, हमारे समाज में फुल टाइमर लोगों को घूमना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, हमें एसी का हॉल छोड़ के लोग गांव गांव में जाना होगा, जो कि छोपड़ियों में जाना होगा, आदिवासी लोग आज भी तरस रहे कि हम इस देश के नागरिक है, उन्हें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए काम किया। मैं आप अधिकारियों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, आप समाज के एक रिस्पेक्टेड लोग हैं। बाबा साहब ने तभी कहा था जब नानक चंद्र, तुम्हें आखिरी संदेश बाबा साहब का बताना चाहूंगी, 1956 को बाबा साहब जब अपने गुरु में किताबें लिख रहे थे, जैसे द प्रॉब्लम ऑफ रूपी था, संविधान की लिख रहे थे, बहुत सारे कागज लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, लिख के डाल रहे थे, तो बाबा साहब का जो सेवक था नानक, तो नानक बाबा साहब के लिए खाना लेके आया, बाबा साहब को हाई डायबिटीज था और बाबा साहब के लिए सुबह के वक्त का नाश्ता और गोलियां लेकर आया, तो बाबा साहब पढ़ने में बिजी थे, तो नानक ने कहा कि आप खा लीजिए, दवाई का वक्त हो गया सुबह के नाश्ते के टाइम, तो बाबा साहब ने सिर्फ मुंडी हिलाई और पढ़ने में बिजी हो गए। आप एक थोड़ा सा अपने आँख के सामने बाबा साहब का चित्र आँख के सामने लाइए, नानक ने बाबा साहब के साथ सामने रख दिया और नानक चले गए। थोड़ी देर के बाद दोपहर के खाने का वक्त हुआ, नानक वापस खाना और गोलियां और पानी लेके आए, तो बाबा साहब ने पानी का एक घूंट भी नहीं लिया था, बाबा साहब वही पढ़ने में बिजी थे, लिखने में बिजी थे। नानक के दिल भर आया कि बाबा साहब ने अभी तो कुछ नहीं खाया, गोली अभी नहीं ली, पानी भी नहीं पिया, नानक कैसे करके वापस 6-7 बजे बाबा साहब के कमरे में आया, बाबा साहब का ध्यान जाए इसलिए नानक ने किताबें इधर उधर की और बाबा साहब का ध्यान गया, तो नानक ने कहा कि साहब आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आप अपने पेट में कुछ तो डाल दीजिए क्योंकि आपको दवाई भी खानी है। तो बाबा साहब ने कहा नानक तू जा सुबह 8 बजे, 7 बज गए हैं, मैं खा लूंगा। बाबा साहब के आगे कुछ बोल नहीं सकते, बाबा साहब को अगर किताबों में पढ़ते हैं डिस्टर्ब किया तो गुस्सा कर देते, तो नानक चले गए। लेकिन रात भर नानक जी को नींद नहीं आई कि बाबा साहब ने कुछ खाया नहीं, तो वो सुबह जैसे तैसे 6-7 बजे उठ के चले आए। तो अगर आप इमेजिन करेंगे तो सुबह 7 बजे जब बाबा साहब के पढ़ने के रूम में वो गए नानक, तो बाबा साहब का सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम रात का खाना और जो गोलियां और पानी वैसे के वैसे पड़ा था, बाबा साहब के सामने किताबों का ढेर पड़ा हुआ था, खाना वैसे के वैसे पड़ा था। नानक चंद्र तो रोने लगे, उनकी आँख भर आई और उनकी रोने की आवाज़ से बाबा साहब ने ऊपर देखा तो घड़ी में 8:30 बजे थे और बाबा साहब ने ऊपर देख के नानक को कहा
कि नानक अरे नानक नानक 8 बज गए तो अभी तक नहीं गया, मतलब बाबा साहब को पूरी रात गुजर गई थी, बाबा साहब को वक्त का पता नहीं चला। नानक रोते रोते बाबा साहब के पाँव पकड़े और बोले बाबा साहब आपकी हमारे समाज को जरूरत है, आप आपका ख्याल नहीं रखेंगे तो इस समाज को दूसरा वाली कौन आएगा। नानक का यह प्यार देख के बाबा साहब की भी आंखें भर आई और बाबा साहब नानक को बोले नानक मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरे पास ये किताबें ही मेरे समाज को रास्ता दिखाएंगे। मैंने जिस पढ़े लिखे समाज के ऊपर भरोसा लिखा था, जिन पढ़े लिखे लोगों को मैं समाज के लड़के लोगों को मैंने बाहर पढ़ने के लिए भेजा था तो वो तो अपने बीवी बच्चों में बिजी हो गए और समाज को रास्ता दिखाने वाला, समाज का काम करने वाला मुझे दूर दूर तक तो कोई नज़र नहीं आता और वो काम मुझे करना है, मेरे पास वक्त कम है। मैं मेरे समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहता था लेकिन पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन नानक तू जाते जाते मेरे समाज को एक बता देना। मैंने जो समता कारक यहाँ तक खींच के लाया है बहुत कठिनाई से लेकर आया हूँ, इसके लिए मुझे बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा है। आप मेरे समाज को जाकर बताना अगर आप ये समता का रथ, विचारधारा का रथ आगे नहीं लेके जा सकते तो कम से कम उसे पीछे तो मत खींचना, उसे वही के वही छोड़ देना। ये संदेश मेरा आखिरी संदेश समझ लेना। लेकिन आज अगर हम लोग सोचेंगे तो बाबा साहब का जो समता का, विचारधारा का, मिशन का जो रथ था हम सही मायने में आगे लेके जाने में सफल हो पाए हैं या फिर हम लोग सुधर ही रखने के लिए तो सफल हो पाए, ये क्या सवाल हमसे सबको पूछना पड़ेगा। क्योंकि रमाई जो माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी थी वो 2 साड़ियों में पूरी जिंदगी गुजार चुकी थी। फटे हुए साड़ी अर्थ तत्ने डॉक्टर बाबा साहब, प्रॉब्लम ऑफ रूपी लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिनकी वजह से बैंकों की बैंक बन गई, उनके बच्चे बिना दवाइयों के मर जाते हैं, जिनकी बीवी 2 साड़ियों में अपनी जिंदगी गुजार देती है, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी एक बार बाबा साहब को बोलती कि छोड़ दो समाज को, क्या दिया आपको समाज ने, जिस समाज के लिए आप काम करते हो वो आपके खिलाफ मोर्चे निकालता है, जिस समाज के लिए आप काम करते हो वो समाज आपके खिलाफ इलेक्शन में खड़ा होता है, आपको इलेक्शन में हार देता है, छोड़ दो इस समाज का काम, हम चले जाएंगे कहीं बाहर, हमारे 4 बच्चे मर गए, क्या दिया आपको इस समाज ने। अगर ये बात आप रमाई बाबा साहब को कहती तो शायद बाबा साहब तो बहुत अमीर हो चुके होते, अमेरिका में जाके सेटल हो चुके होते, लेकिन हम और आप हमारी अनेकों पीढ़ियां जिंदा मर जाती थी और हम कुछ इंसान बनके जिंदा पैदा नहीं रहते थे। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि हमारे समाज में हमें काम करना चाहिए, हमें समाज में उतर कर काम करना चाहिए। मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, अरे एक पत्थर तबियत से उछाल तो यारो, हमें वो पत्थर उठाने की जरूरत है, वो छेद करने की जरूरत है। हमेशा कहती हूँ बाबा साहब का मिशन एक हाथी है, हम हाथी की तरह है, हम जब तक शांत है तब तक शांत है, लेकिन जब हमारे ऊपर मनोदय का गुस्सा होता है तो हम जड़ से उखाड़ के फेंकने की हमारी ताकत हमारी विचारधारा में, सिर्फ महापुरुषों की विचारधारा पर भरोसा रखो, उसमें सच्चाई से काम करो, पद पैसा प्रतिष्ठा यहीं पे छोड़ जाओगे। बाबा साहब ने ये सब नहीं कमाया लेकिन हमारे हर दिल के करोड़ों लोगों के दिल में बाबा साहब बसते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने इंसान को इंसान बनाने का काम किया, मिशन का काम किया, विचारधारों का काम किया। इसलिए बाबा साहब शायद हम नहीं होंगे, हमारी अनेकों पीढ़ियां नहीं होंगी, लेकिन बाबा साहब रहेंगे, हम इस पीढ़ियों को बाबा साहब देके जाएंगे, विचारधारा देके जाएंगे, लेकिन वो विचारों के साथ भक्ति के साथ नहीं, हम अनुयायी है, हम भक्त नहीं है। इसलिए हमें प्रचार और प्रसार अच्छी तरह से करना होगा, बुद्ध बताने होंगे। आज तो मनुवादियों ने बुद्ध को कृष्ण का 7वां 8वां 9वां अवतार कर दिया है, देखते होंगे आप शो हॉल में बुद्ध की प्रतिमाएं लगी होती है, होटल में बुद्ध की प्रतिमा लगी होती है, वो तो उनके आरतियों में भी बुद्ध कलंकित कलयुग झाला अदर महा अवतार सोन नदी दिला धर्म मुनि ना दिसी देवा। ये मराठी में जो गणपति की आरती बोलते हैं ना उसमें बोलते हैं बोलो बुद्ध नाम का कलंकित अवतार पैदा हो गया, इसलिए बुद्ध अभी भगवान दिख नहीं रहे। अरे मैं तो कहते बुद्ध ने तुम्हारे भगवानों का ऑपरेशन कर दिया कि भगवान है ही नहीं, इसलिए अभी तो भगवान तुम्हारे दिखते नहीं। और यही इनकी सोच है, ये कभी महापुरुषों की विचारधारा अगर खत्म नहीं कर पाते तो उसका विकृतिकरण कर देते हैं। अगर हम बाबा साहब का प्रचार प्रसार करने में असफल हो गए तो वो कल जाके बाबा साहब के विचारों का भी विकृतिकरण कर देंगे, इसलिए हमें काम करना है। जाते जाते हम सबके मिशनरी साथियों को एक बोलूंगी कि हमें सबको मिलकर एक काम करना है, एक साथ हम काम करेंगे। सबको बोलती हूँ हम कम हो तो क्या हुआ, हम एक साथ सब मिलकर अगर आएंगे तो हमारा काम हाथी के जैसा होगा, कोई कुछ भी बोले कोई कुछ भी करे, बाबा साहब का मिशन है रुकने वाला नहीं है। आपके लिए सबके लिए एक नारा लूंगी, तूफान रुकते नहीं बिजलियों के कड़कने से, आज तूफान रुकते नहीं बिजलियों के कड़कने से, हाथी रुकते नहीं कुत्तों के भौंकने से।
नमो बुद्धाय।